हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। JKSSB का CBT एग्जामिनेशन जो असिस्टेंट कंपाइलर का 27 दिसंबर को हुआ है, यानी कि आज जो हुआ है, उसकी हम मेमोरी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो जो है अपलोड की थी, जिसमें हमने 30+ क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए थे, और आप किसी और स्टूडेंट ने भी जो है वो क्वेश्चन भेजे हैं, उन्हीं की हैंड राइटिंग में हम आपके सामने जो है वो पेपर लेके आएंगे, ताकि बच्चे ये कन्फर्म हो जाए कि ये पेपर जो है बच्चों ने ही भेजा है, कि कोई फेक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि वो पहले भी जो है हमने डिस्कस किए हैं, वो क्योंकि बच्चों ने ही भेजे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन साउथ। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही ये वाला क्वेश्चन के साउथ में साल्ट सत्याग्रह जो है वो कौन जो है चला रहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिवर से। रिवर में जो है बात की गई है चंद्रा एंड भागा की, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। सोर्सेस ऑफ वीडियो, वाटर की जो है वीडियोस जाके देखिए, अच्छे से हमने डिस्कस किया है चंद्रा और भागा के बारे में, कि एक्चुअली जो है चंद्रा एंड भागा दो स्ट्रीम है जो कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और ये टांडी इलाके में आकर जो है ये आपस में मिलती है, और उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर के पाडर इलाके में किश्तवाड़ के एंटर करती है, और उसके बाद जो है इसका नाम जो है चिनाब पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा गया है चंद्रा एंड भागा जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो नीचे ऑप्शन जो है वो जरूर दिए गए होंगे, तो ये चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखेंगे। फिर है चंद्रा एंड भागा नेम ऑफ रिवर, तो किस रिवर का जो है वो नेम है, तो चिनाब होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा गया है बिटवीन 1883 एंड 1885। अब क्या एक्चुअली में क्वेश्चन था वो आप ही जानते होंगे। हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस का पूछा गया है। अच्छा, एक बात और नोटिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में आता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, वो जरूर दूसरी शिफ्ट में पूछा जाता है। आज पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में, तो आपको पता है कि लंदन में है, इंग्लैंड में, यानी कि यूके में जो होगा इसका हेडक्वार्टर होगा। आप देखिए, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कॉमनवेल्थ ने इससे कि इसका जो है हेड या सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो भी अब याद रखेंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो होगी, ये इसकी जो है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें आप जो है वो लंदन डिक्लेरेशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना, 28 अप्रैल 1949 में आई है, और कॉमनवेल्थ की कंट्रीज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितनी कंट्रीज होती है, तो याद रखेंगे 54 कंट्रीज है। वो कौन कौन सी कंट्री है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश होगा इसमें, ठीक है, तो बर्नुई होता है, कनाडा है, साइप्रस है, डोमिनिशिया है, इंडिया भी आता है, घाना भी आता है, बहुत सी ऐसी कंट्री है जिनके बारे में जो है आपको याद रखना चाहिए। ये वो कंट्रीज है कॉमनवेल्थ की जो एक टाइम में जो है ब्रिटिश की जो है वो मतलब इनके गुलाम थी हम कह सकते हैं, तो बाद में इन कॉमनवेल्थ नेशन जो है इन्हें बना दिया गया था, और इसी से के बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो है शुरू हुई थी। चलिए, आप फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, किस की फुल फॉर्म है, जो सीक्रेट बैलेट है उसमें हमने पढ़ा है VVPAT के बारे में, VVPAT की फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई है, तो क्या होता है ये, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, कि वोटर ने जो वोट दिया, जैसे EVM पे वोट देता है, तो ये नहीं पता चलता है कि वो वोट किसे गया है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि अभी ये कंट्रोवर्सियल एक इशू रहा है कि वो वोट जो है अब न्यूज़ों में आपने सुना होगा कि डाला किसी को वोट है और जो है गया किसी और को वोट है, ऐसा जो है वो रहा है, तो इसके लिए जो है VVPAT जो है निकाली गई थी कि जब आप वोट देंगे तो उस वोट की जो है आपको एक पर्ची मिलेगी, तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर होगा, ऑडिट ट्रेल जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। फिर हम बात करने वाले हैं फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, क्या ऑप्शन दिए गए थे वो नहीं पता है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एनफोर्स किया गया है, तो यहाँ पर डेट है एनफोर्स की ही शायद पूछी, तो 24 अप्रैल होगा 1993 जो है, बच्चे ने ये लिखा हुआ है अपनी हैंड राइटिंग से ही, तो ठीक है, तो इसी को आप देख लीजिए। वैसे भी जो है आप जो है ये पंचायती राज एक्ट जो है वो याद करेंगे, इसमें आर्टिकल 243 से लेकर जो है 243 जो है वो इससे डील करेगा, ठीक है, पार्ट जो है वो 9th में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के है वो पंचायती राज जो है वो मेंशन किया गया है, तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो
जो है 1992 में अगर हम देखेंगे 73 और 74 अमेंडमेंट जो है वो एक्ट जो है पास किए गए थे और इम्प्लीमेंट जो किए है वो 1993 में किए है। और यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट के ही बारे में पूछा गया है, लेकिन पास के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 1992 में। अगर हम बात करते हैं इसके जो है वो कितने जो है वो पार्ट रहते हैं, इसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायती के लिए है, टू विलेज लेवल। 74th तो जो होती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, अर्बन एरिया के लिए होगा। तो याद रख लेंगे ये, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अगला जो है वेर इज तहरी डैम। तहरी डैम के बारे में आप जानते होंगे, ये तहरी डैम जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपकी इसकी इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड की हुई है कुछ टाइम पहले। तो टहरी डैम जो है ये उत्तराखंड में जो है वो बन रहा है, टहरी डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है टहरी डैम, और इसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होने वाली है फ्यूचर में, 2400 मेगावाट तक जो है ये बनेगा, याद रखेंगे। क्योंकि आपको इससे पहले जो है वो जो है कोनिया के बारे में पूछा गया है, जो कि महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, 1960 जो है इसकी मेगावाट जो है वो है, ठीक है, ये कैपेसिटी है। इसी तरीके से आपको बाकी भी पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, लिम्बर इज इन, तो लिम्बर जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होगा जरूर क्वेश्चन। तो लिम्बर जो है जिसे काजीनाथ भी कहा जाएगा, तो ये बारामुल्ला में होगी। अगला क्वेश्चन है, ओवरा आलू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कब एस्टेब्लिश की गई है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे एस्टेब्लिश की जो है वो डेट पूछी जा रही है। तो ओवरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, यहाँ पर इसका एरिया कितना है, तकरीबन 500 कुछ स्क्वायर किलोमीटर का था, काफी बड़ी थी, और जो है एस्टैब्लिश 1981 में की गई है। तो ये भी याद रखेंगे, 1981 जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है, फर्स्ट एटॉमिक प्रोजेक्ट जो है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जानते हैं जो मेरी एटॉमिक रिसर्च की वीडियो है या इसरो की वीडियो है, एक भी ऐसा अभी तक क्वेश्चन नहीं है जो उससे बाहर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट जो है वीमन टू ऑपरेट मिसाइल, तो बताइए। अब ये देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वुमेन जो है वो इंडिया की पूछी गई है या पूरी वर्ल्ड में पूछी गई है, ये नहीं हमारे पास क्लियर है। तो ये आप ही जानते होंगे, जरूर नीचे कमेंट करेंगे आप सभी, ठीक है। अगर हम जो है वो तेसी थॉमस के बारे में आप सुने होंगे, जो कि साइंटिस्ट थी DRDO में जो है उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये अग्नि मिसाइल के प्रोजेक्ट में काम कर चुकी थी, तो ये इनके बारे में याद रखेंगे, जो है टेसी थॉमस जो थी ये इससे रिलेटेड थी, अगर इंडिया के बारे में पूछा जाएगा तो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए, फर्स्ट इंडियन टू पास सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो देखिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे कि पहले वो कौन से थे जिन्होंने जो है वो फर्स्ट इंडियन बेसिकली जो है पूछा गया है कि वो कौन से थे पहले इंडियन जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या आएगा, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आज सिविल सर्विस का पूछा है तो जरूर नेक्स्ट शिफ्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो सिविल सर्विसेज है ये कब कंपलसरी, मतलब कब जो है किस गवर्नर के टाइम में जो है वो ये शुरू किया है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपके देखने को जरूर मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है, फर्स्ट पर्सन टू पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर जो होगा वो सत्येंद्रनाथ टैगोर होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन जो थे जिन्होंने IAS जो था, जिसको पहले ICS कहा जाता था, ये जो है पास किया था। हु प्लेड द ग्रेट नंबर ऑफ इंटरनेशनल, क्या है ये, हु प्लेड ग्रेट नंबर ऑफ इंटरनेशनल विकेट्स। तो यहाँ पर जो है वो विकेट से जो है वो क्वेश्चन है। अब ये नहीं पता है कि टेस्ट मैच की पूछी गई है, ODI में पूछी गई है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ विकेट जो है वो किस प्लेयर ने लिया था, ये जो है बेसिकली क्वेश्चन है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो है बैट्समैन के लिए भी जो है वो आ सकता है। तो आप जहां तक मुझे याद है इसमें अगर हम टेस्ट मैच की बात करेंगे तो मुरलीधरन होंगे, और बाकी अब देख लेना ऑप्शन क्या है, बट ऐसा क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस होता है, याद कर लेना, ठीक है, गूगल वूगल सर्च करके देख लेना। फिर है प्रेजिडेंट इशू एंड डिस्प्यूट सॉल्व, तो कुछ ऐसे ऑप्शन है, प्रेजिडेंट इशू एंड डिस्प्यूट सॉल्व, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इशू होंगे एंड डिस्प्यूट जो है वो कौन सॉल्व करता है, ये क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में कौन है, हम डिस्कस कर चुके हैं।
फिर है विलेज पंचायत ऑफ 1935 जे एंड के अमेंडेड इन, तो यहाँ पर जे एंड के पंचायती राज एक्ट से बेसिकली है कि विलेज पंचायत को कब जो है वो के अमेंड किया गया है, तो वो 1989 होगा। अब ऑप्शन पे है कि उसमें ऑप्शन क्या है कि उससे पहले कभी अमेंड किया है। फिर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, जेम्स कुक डिस्कवर्ड हवाई आईलैंड है, आंसर हु इज कॉल्ड द इंडियन बिस्मार्क। देखिए ये क्वेश्चन है जब हम पढ़ाए हैं सरदार वल्लभभाई पटेल की जो है पूरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में डिस्कस किया था, लेकिन आज जो है इन्फोग्राफिक्स भी जो है बना के रखी हुई थी अपलोड करने के लिए, और इस इन्फोग्राफिक्स को शाम को हमने अपलोड भी किया क्योंकि हम रात में जो है वो ग्राफिक करवाते हैं और जो है इन्फोग्राफिक अगले दिन के लिए 2 से 3 बना के रखते हैं, तो टाइम टू टाइम जो है वो उसे भी शेयर करते रहते हैं, पूरे दिन की से 3 से 4 अपलोड रोज करते हैं। आप देख लीजिए अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अब ये क्वेश्चन जो है कितना इजी हो गया है, हु इज कॉल्ड द इंडियन बिस्मार्क। थ्योरी में तो पढ़ते हैं लेकिन अगर एमसीक्यू पढ़ लिया तो चीज याद रहती है, ठीक है। तो इंडिया ने अपने को जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब जो है वो बनाया था। फिर है बिम्स्टिक जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। अब बिम्स्टिक क्या है आप जानते हैं, ये बे ऑफ बंगाल जो है वो इनिशिएटिव है। आप देखिए कल भी इसका क्वेश्चन आया था, बिम्स्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और आज इससे जो है एक और क्वेश्चन आ गया है, तो जो एक बार क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड जो है अगले दिन जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो बिम्स्टिक के बारे में आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल का इनिशिएटिव था, ठीक है। ये मल्टी सेक्टोरियल भी था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मल्टी जो है वो टेक्निकल भी था, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पर बात की गई है कि ये कब एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत ही जो एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, और मंथ जो था वो 6 जून था, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, एक साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है और दूसरी साउथ एशिया की कंट्री है। इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया ने इसका मेंबर जो है वो कब बना है, स्टार्टिंग में ही बना हुआ है जब इसका नाम बिस्टिक था, पहले इसका नाम बिस्टिक था जब इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड हुए थे, बाद में इसमें म्यांमार जो है उसे जोड़ दिया गया था, तो ये बिम्स्टिक बन चुका है। तो नेपाल और भूटान को भी बाद में जोड़ा है, तकरीबन 2004 में जोड़ा हुआ है, वो भी आप याद रख लेना। फिर हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन जो है विंबलडन कब किया है, किससे रिलेटेड है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको, देख लीजिए। फिर लीग ऑफ मैं कहां पहुंच गया, सॉरी, यूनेस्को की फुल फॉर्म है, इजी क्वेश्चन है। अगस्त ऑफर जो है कब हुआ है, पढ़ चुके हैं। पूना पैक्ट जो है वो साइन पढ़ चुके हैं। लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर, ये भी हम कर चुके हैं चीजें। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे रिवोल्ट कहा जाता है, इस पे भी कोई क्वेश्चन है कि वी डी सावरकर ने जो इस पे बुक लिखी हुई है, तो ये क्वेश्चन है कि ऑथर का पूछा गया है। विंबलडन कप है, टेनिस से रिलेटेड है, पढ़ चुके हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज है उनसे क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु जो है वो कौन सी प्लेयर है, अभी कितनी ज्यादा न्यूज में रही है, तो बैडमिंटन की प्लेयर है। फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, आपको उतना ही पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो ये अमेंडमेंट जो है दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतलब, तो देख लीजिए। फिर यहाँ पर भेजा हुआ आर्टिकल 21 जो है वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है। फिर विच रिट मींस टू बी इन्फॉर्म, देखिए मैंने आपको 4 रिटें बोला था, ये जरूर कीजिए, हर पेपर में 1 रिट से जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, और 4 ही रिट है जिनके लिए हमने इन्फोग्राफिक्स भी अपलोड कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। अब क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो फिनांस के ही रिलेटेड होगा, आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। फिर यहाँ पर है अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट जो है वो एनफोर्स करेगा पावर, तो प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमने जो है क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया, अभी तक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है एक बच्चों का फीडबैक जो है वो काफी अच्छा है, 80+ 80+ जो है हर कोई बोल रहा है कि हमने जो है वो इतना किया है, लेकिन कुछ के नेगेटिव भी किए हैं, जैसे किसी ने 80 कर लिया उसने बाकी 40 भी जो है वो चांस लेकर जो है वो रिस्क लेकर किया है, तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए जब पुष्टि कम होती है, क्योंकि वो मार्क्स नेगेटिव में भी हो सकते हैं, क्या पता 0.25 से कोई रह जाए उस वजह से, तो ये मिस्टेक्स होगी कम पोस्टों में, ठीक है। हाँ जिसकी प्रिपरेशन नहीं है वो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो प्रिपरेशन कर चुका है तो उनका सारा कुछ फिर वेस्ट हो जाएगा। तो अब जो है जितनी भी पोस्ट निकली हुई है फ्यूचर के लिए, तो आप किस पोस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, हम जो है क्या सब इंस्पेक्टर के लिए या किसी और के लिए। देखिए जो पहले पोस्टें कम है मैं कम के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें भी मैंने पढ़ाया जिसकी वजह से चैनल की सारी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि इसमें बच्चे ही बहुत कम थे क्योंकि पोस्ट कम थी। अब उसी किसी ऐसे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाएंगे जिसमें जो है पोस्ट जो है अच्छी हो, ज़्यादा हो,
ठीक है, ताकि बच्चे भी ज़्यादा जुड़े, ताकि बच्चे ज़्यादा जुड़े, तो ये जो है उसी हिसाब से जो है बोलिए, जिसमें 10 पोस्टें 12 पोस्टें उनके लिए नहीं, किसी अच्छे एग्जामिनेशन के लिए बताइए जिसमें पोस्टें भी ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।